देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की 1120 पदों पर, आरपीएफ कांस्टेबल के 8619 पदों पर बहुत साल बाद वैकेंसी आई है, बम्पर भर्ती होने वाली है। बहुत अच्छी जॉब होती है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, आज एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम कैसे होगा, पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या होगा, ठीक, क्या एज मांगा गया है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। इसके पहले कि मैं शुरू करूं, आपको बता देना चाहता हूं कि आरपीएफ के लिए अलग कोर्स हमारा चलेगा, ठीक है, स्पेशल कोर्स, क्रैश कोर्स, उसको आप पढ़ लेंगे। उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब हम बता देंगे आपको, कैसे आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पास करना है, ये सब बता दूंगा। तो इस कोर्स से जुड़ने के लिए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकन दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी दी हुई है कैंडिडेट्स के लिए, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए, पोस्ट वाइज। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, 20 से 25 साल एज मांगी गई है। सब इंस्पेक्टर बैंड के लिए पद है, जो बैंड होता है किसी फोर्स में, ठीक, परेड वगैरह में जो होता है, उसके लिए सब इंस्पेक्टर की कुछ पोस्ट है। उसमें पोटेंशियल बैंड मास्टर्स कोर्स होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए। कुछ ही पद होंगे, ठीक है, 20-25 पद होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसमें 20 से 25 ईयर एज इसमें भी होने चाहिए। बाकी जो छूट है कैटेगरी वाइज अभी बता दे रहे हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए और एंसिलरी स्टाफ के लिए वो 10 पास होना चाहिए, ठीक, एज प्रोवाइडेड इन आरपीएफ रूल। आरपीएफ रूल में मैट्रिक पास मांगा गया है, तो 10 पास होना चाहिए। 18 से 25 ईयर एज है दोनों में, कांस्टेबल बैंड में भी 18 से 25 ईयर एज है, और कांस्टेबल बैंड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी स्पेसिफिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बजाने का उसको, और ड्राइवर जो गाड़ियां होती हैं आरपीएफ में, उसमें उसको चलाने के लिए ड्राइवर के लिए होना चाहिए 10 पास, और 20 से 25 ईयर एज होनी चाहिए, और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और जो 6 महीने कम से कम पुराना होना चाहिए, ठीक है ना, फॉर्म भरने के पहले। और 1 जुलाई से एज जो है गिनी जाएगी, अगर जनवरी से जून के बीच, अर्थात मई में आने वाला है ना नोटिफिकेशन, तो आ जाएगा, तो 1 जुलाई से एज काउंट होगी। और यदि जनवरी, ये जुलाई से दिसंबर के बीच आता है, तो 1 जनवरी से एज काउंट होगी, 1 जनवरी 2019 से। अब ये छूट जो मिली हुई है, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, ठीक, और जम्मू कश्मीर के जो हैं उनके लिए जनरल में 5 ईयर, OBC में 8 साल, SC ST में 10 साल, ठीक। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर एम्प्लाई है, 3 साल का, 3 साल कम से कम होना चाहिए एम्प्लाई, ठीक है, तो उसको जनरल में 5 साल, OBC में 8 साल और SC ST में 10 साल की छूट मिलेगी। स्पेशल प्रोविजंस फॉर एक्स सर्विसमैन, ठीक है ना, एक्स सर्विसमैन के लिए स्पेशल प्रोविजन जो जो भी छूट मिलती है वो है, ठीक है ना, हर जगह वही है सेंट्रल गवर्नमेंट में। फिजिकल मेजरमेंट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग पूछ रहे थे। जनरल OBC के लिए 165 मीटर होना, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, 157 फीमेल के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। और चेस्ट जो है बिना जो है फुलाए 80 सेंटीमीटर केवल मेल के लिए है, और एक्सपेंडेड अर्थात फुलाने के बाद 85 जो है सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 और 85, ठीक है। उसके बाद SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर फीमेल में, 152 सेंटीमीटर, और SC ST मेल के लिए चेस्ट 76.2 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर। फॉर गढ़वालिस, गोरखास, ठीक है, मराठास, डोगरीज, कुमाऊनीज एंड अदर कैटेगरीज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, उसके लिए 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल में 155 सेंटीमीटर और 80 और 85, अर्थात 80 सीना फुलाने के पहले और बिना फुलाए, और 85 फुलाने के बाद होना चाहिए, ठीक है, 85 सेंटीमीटर। तो ये फिजिकल मेजरमेंट होना, ये जो है रिक्वायरमेंट है। उसके बाद प्रोसेस जो है रिक्वायरमेंट का, वो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो 4 फेज़ों में है। फेज फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना, कंप्यूटराइज्ड पूरा ऑनलाइन टेस्ट होगा अर्थात, ठीक है।
फेज सेकेंड में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीटी और फिजिकल मीजरमेंट टेस्ट। जो फिजिकल मीजरमेंट का आपको बता दिया, फिजिकल एफिशिएंसी अभी बताता हूँ उसके लिए क्या हो, क्या क्या टेस्ट होगा। फेज थर्ड में ट्रेड टेस्ट होगा, ये सबके लिए नहीं है, जो स्पेशल कैटेगरी से बैंड वगैरह हो गया, ठीक है, ड्राइवर हो गया, एंसिलरी स्टाफ है, उनके लिए फेज थर्ड होगा, सबके लिए नहीं होगा ये, ठीक है ना। और फेज फोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक। फेज फोर में नोट दिया है, द फेज फोर सेल बी कंप्लीटेड इमिडिएटली आफ्टर पीईटी पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है, इन केस ऑफ, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जब पीटी और पीएमटी अर्थात मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक। और फेज फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो दिया हुआ है, ठीक है ना। डेट एंड टाइम फॉर सीबीटी शैल बी फिक्स्ड बाय चेयरपर्सन, ठीक। जो मेन मेन बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें इतने लैंग्वेज में पूछा जाएगा, इतने लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। इसमें से किसी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन होगा सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन लेवल का, और अदर कैटेगरीज के लिए 10 कक्षा 10 के लेवल का होगा, ठीक है ना। इट विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन 35% मार्क्स जो है क्वालिफाई करने के लिए, सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और 30% मार्क्स एससी एसटी के लिए। अब ये दिया है देखिए एग्जामिनेशन में, ठीक। मिनट सब इंस्पेक्टर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए 90 मिनट का होगा एग्जाम, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के उसमें 50 रहेंगे क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 35 रहेंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 प्रश्न रहेंगे। बस ये तीन चीज़ें पूछी जाएंगी। कांस्टेबल के लिए भी 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 120 प्रश्न होंगे, 50 जनरल अवेयरनेस के, 35 अर्थमेटिक के, और 35 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, ठीक। फिर कांस्टेबल एंसिलरी के 45 मिनट का होगा पेपर, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 जनरल अवेयरनेस के, 20 अर्थमेटिक के, और 20 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे। ड्राइवर ग्रेड थर्ड के 45 मिनट का जो है पेपर होगा, उसका 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस का 20, अर्थमेटिक का 20, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। ये तो ये सीबीटी होगा। जनरल अवेयरनेस में जो भी जीए में चीज़ें आती हैं, अर्थमेटिक में, वो सब मैं बता दूंगा, ठीक, क्लास चला के, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 क्लास में कम्प्लीट हो जाएगा पूरा सब। और जिसको भी जुड़ना होगा कोर्स से, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पहुंचते रहेंगे उसके पास, ठीक है। और जो मेन मेन चीज़ें हैं हो गई हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी 6 मिनट 30 सेकंड में, ठीक, आसान है। और लॉन्ग जंप 12 फीट का होगा, हाई जंप 3 फीट 9 इंच का होगा। सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, 4 मिनट में क्वालिफाई करना होगा इसको। लॉन्ग जंप 9 फिट और हाई जंप 3 फिट। कांस्टेबल के लिए जो है 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर का दौड़ होगा, ठीक है। और लॉन्ग जंप होगा 14 फिट का, और हाई जंप होगा 4 फिट का। कांस्टेबल फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ होगी, लॉन्ग जंप 9 फिट और हाई जंप 3 फिट। कांस्टेबल बैंड के लिए 3 मिनट 40 सेकंड 800 मीटर का दौड़ होगा, ठीक है, 9 फिट लॉन्ग जंप, 3 फिट हाई जंप। एंसिलरी स्टाफ के लिए 3 मिनट 40 सेकंड सेम 800 मीटर, 9 फिट का लॉन्ग जंप, 3 फिट का हाई जंप, ठीक। ड्राइवर गेट थर्ड के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ होगी, 12 फिट का लॉन्ग जंप होगा, 3 फिट 9 इंच का हाई जंप होगा, ठीक है ना। एक सर्विस मैन शैल बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पीटी, हाउएवर दे विल हैव टू अंडरगो पीएमटी। अर्थात एक सर्विस मैन के लिए पीटी टेस्ट से उनको जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट मिली है, ठीक, वो डायरेक्ट जो है मेडिकल में जाएंगे। अ कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन ऑल टेस्ट एज पर अबव, इसका मतलब सब में पास होना जरूरी है, सब में क्वालिफाई करना जरूरी है, किसी का नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों।
और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं। फेज थर्ड होगा ट्रेड टेस्ट, ये एंसिलरी स्टाफ बैंड के लिए और ड्राइवर थर्ड के लिए, ठीक है ना, जो जो एलिजिबिलिटी उनकी मांगेगी, ठीक है ना, उनके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होगा। ये टेस्ट दिया हुआ है देखिए, ठीक। ट्रेड टेस्ट क्या होगा, बार्बर के लिए, स्वीपर के लिए, वाटरमैन के लिए, वाटर कैरियर के लिए, ठीक, गार्डनर के लिए, ट्रेलर के लिए, कॉबियर के लिए, सब दिया हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। ड्राइवर ग्रेड थर्ड के लिए दिया हुआ है, सब इंस्पेक्टर बैंड के लिए दिया हुआ है, कांस्टेबल बैंड के लिए दिया हुआ है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये पूरी डिटेल है जो परीक्षा होने वाली है आरपीएफ की, सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की। कम से कम 10, लगभग 10,000 वैकेंसी है, तो बहुत अच्छा मौका है, लग जाइए। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की 1120 पदों पर, आरपीएफ कांस्टेबल के 8619 पदों पर बहुत साल बाद वैकेंसी आई है, बम्पर भर्ती होने वाली है। बहुत अच्छी जॉब होती है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था आज, एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम कैसे होगा, पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या होगा, ठीक, क्या एज मांगा गया है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। इसके पहले कि मैं शुरू करूं, आपको बता देना चाहता हूं कि आरपीएफ के लिए अलग कोर्स हमारा चलेगा, ठीक है, स्पेशल कोर्स, क्रैश कोर्स, उसको आप पढ़ लेंगे। उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब हम बता देंगे आपको, कैसे आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पास करना है, ये सब बता दूंगा। तो इस कोर्स से जुड़ने के लिए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकन दबाएँ। तो आइए शुरू करते हैं।